हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, अभी अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस रिलीज किया गया है। इस नोटिस को आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। तो गाइस, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे कि उन तक भी ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज, ये हमारा वो नोटिस है, आप लोग डेट देख सकते हैं 28/6/2021 है। ये कल लेट में रिलीज़ किया गया था। चलिए आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या राइट किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से समृद्ध महाविद्यालय के बीए एलएलबी 10th सेमेस्टर, बी एलएलबी 3rd ईयर 1st और 6th सेमेस्टर एलएलएम 1st व 4th सेमेस्टर के परीक्षार्थियों जिसके द्वारा विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु परीक्षा फॉर्म भरे जा चुके हैं। ये जो नोटिस है वो बी एलएलबी के 10th सेमेस्टर, एलएलबी 3 ईयर के 1st और 6th सेमेस्टर और एलएलएम के 1st और 4th सेमेस्टर के लिए है, जिनके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो चुके हैं, जिनके अब एग्जाम होने हैं तथा वे ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे बच्चों को सूचित किया जा रहा है यहाँ पर कि वह पुनः विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपने परीक्षा फॉर्म संख्या से लॉगिन करते हुए ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा हेतु विकल्प दिनांक 28/6/2021 के पश्चात एवं दिनांक 3/7/2021 से पूर्व चुने। यानी कि आप लोगों को यहाँ ऑप्शन मिल रहा है कि अगर आप अपना एग्जाम ऑनलाइन देना चाहते हैं, गाइज आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने फॉर्म नंबर से लॉगिन करना है और वहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिखेगा, उसे आपको 28/6/2021 से 3/7/2021 तक के बीच में चुनना है। 3/7/2021 से लेट नहीं होना चाहिए। ऐसे परीक्षार्थियों को निर्धारित प्रारूप में घोषणा भी प्रस्तुत करनी होगी। उपरोक्त परीक्षाओं के ऐसे परीक्षार्थी जो कि ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं रखते हैं, उन्हें किसी विकल्प को चुनने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे परीक्षार्थी जो कि उपरोक्त वर्णित विकल्प को नहीं चुनते हैं के संबंध में यह अवधारित किया जाएगा कि वे ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हैं। तो गाइज यहाँ पर यह बताया जा रहा है, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं तो आप लोगों को अब ऑप्शन दिया जा रहा है। आप लोग अपने फॉर्म नंबर को डालकर जब लॉगिन करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर आप लोग ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हो तो आप लोगों को कोई ऑप्शन चूज करने की आवश्यकता नहीं है। और गाइज यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस स्टूडेंट ने 3/7/2021 तक ऑनलाइन वाला ऑप्शन नहीं चूज किया, ऐसे स्टूडेंट को मान लिया जाएगा कि वो ऑफलाइन एग्जाम देना चाह रहे हैं। गाइज अभी सारे ही पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं और वो ऑफलाइन एग्जाम के मुद्दे को कोर्ट में ले जाने की बात भी कर रहे हैं। तो इसलिए कुलपति जी ने 10 सदस्य की एक कमेटी बिठाई है और उनको रिपोर्ट देने के लिए कहा है, और उन्होंने ये ऑनलाइन ऑफलाइन का वेबसाइट पर एक ऑप्शन भी आप लोगों के लिए रख दिया है, जिससे ये पूछा जा रहा है, ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कितने बच्चे ऑनलाइन के हक में और कितने बच्चे ऑफलाइन के हक में हैं। तो गाइज आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो ऑनलाइन एग्जाम देना चाहता है तो आप फटाफट से इस ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा। 3/7/2021 के बाद अगर आप चूज करेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। इसी के बाद गाइज फिर आप लोगों की डेट शीट आएगी, इससे पहले आप लोगों की डेट शीट नहीं आएगी। तो गाइज इस हिसाब से आप लोगों के एग्जाम जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकते हैं। जो स्टूडेंट ऑनलाइन देना चाहते हैं उनके ऑनलाइन हो सकते हैं, जो ऑफलाइन देना चाहते हैं उनके ऑफलाइन हो सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर ये जो नोटिस है वो मैंने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।